नमस्ते। ओशो जेंटारो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ हार्मनी की, और कार्ड ऑफ हार्मनी को हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर वेट के कार्ड द टेन ऑफ कप्स के साथ। टेन ऑफ कप्स के अंदर जब हम देखते हैं कि एक परिवार, एक कपल, साथ में दो बच्चे और एक इंद्रधनुष और दस के दस कप्स जो हैं वो शो किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल सिंबॉलिज्म है कि लाइफ से हमें जो भी चाहिए था वो मिल चुका है। तो ये कार्ड जो है हमें फुलफिलमेंट का मैसेज लाता है, कंटेंटमेंट का मैसेज लाता है, कंप्लीशन का मैसेज लाता है। आप नोटिस कर सकते हैं जब भी आप 10 नंबर देखेंगे टैरो के अंदर तो वहाँ पे कंप्लीशन का साइन होगा। 1 से चीज़ें शुरू होती हैं लेकिन 1 भी अपने आप में कंप्लीट है, और जब हम बात जो है 10 की कर रहे हैं वहाँ पे जो है एक पूरा एक फुल सर्कल हो चुका है। जहाँ से एक ने यात्रा शुरू करी थी वो पूरा सर्कल जो है कंप्लीट हो चुका है और वो वापस जो है एक पे आ चुका है। तो 10 ऑफ कप्स हमें मैसेज दे रहा है कि लाइफ ने हमें सब कुछ दे दिया है जो हमने मांगा था। अगर हम आउटर वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे जो है एक परफेक्शन शो करती है, एक कंप्लीट फैमिली शो करती है, लव शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है, बच्चे शो करते हैं। लेकिन अगर हम राइडर वेट के इनर एस्पेक्ट की बात करें, अगर उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो है एक कंप्लीशन शो करती है कि एक बहुत एक सेटिस्फैक्शन है हार्ट में, जो भी मांगा था दिल ने वो सब कुछ मिल चुका है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे लव के, सेटिस्फैक्शन के, कंटेंटमेंट के, तो हम इस कार्ड को डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं द कार्ड ऑफ हार्मनी के साथ जो कि ओशो जेंटारो का है। तो हार्मनी कार्ड को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हार्मनी कार्ड में हम देख सकते हैं इस लड़की के साथ जो है दो डॉल्फिन्स जो हैं वो हार्ट चक्रा से निकल के वो थर्ड चक्रा में जा रही हैं, जिसका सिंबॉलिज्म है, जिसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने जीवन को अपने हार्ट से जीने का डिसाइड किया है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन को एक सेंसिटिविटी के साथ जीने का डिसाइड किया है कि अब लाइफ में जो भी वो करेगी, जो भी उसके डिसीजन होंगे, वो इट विल कम आउट ऑफ हर हार्ट, उसकी सेटिस्फैक्शन से, उसके लव से, उसकी कंटेंटमेंट से वो सारे डिसीजन आएंगे, और जो माइंड है उसको सपोर्ट करेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम हार्ट को जो है माइंड की सेवा में लगाते हैं, हम हार्ट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं माइंड के लिए, बाहर की वस्तुओं को पाने के लिए, बाहर के संसार को जमाने के लिए। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस इज प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाता है। कैसे कि आपका जो मन है उस मन को आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं हार्ट की सेवा के लिए, अपने हृदय की सेवा के लिए। जिस चीज़ से जो है आपका जो है हृदय खुलेगा, खिलेगा, अब मन जो है उसकी सेवा में लगेगा कि अब मन जो है हृदय को जो है प्रोटेक्ट करेगा, एक तरह की जो है प्रोटेक्शन जो है उसके आसपास लगाएगा कि ताकि ये व्यक्ति जो है संसार भी जी सके और साथ में जो है अध्यात्म को भी जी सके। क्योंकि जब ये कार्ड आ रहा है तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि अब तक जो है आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो बाहर की तरफ जी है, आपकी सारी ऊर्जा जो है बाहर की तरफ गई है, आपने सारी ऊर्जा जो है अपने मन की तरफ लगाई है, अब इट्स टाइम टू रिवर्स, अब जो है वो सारी ऊर्जा जो है अब आपने हार्ट को देना शुरू कीजिए, और इस प्रोसेस में बाहर के जगत को नहीं भूल जाना है, बाहर भी काम करते रहना है, बाहर भी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन भीतर जो है आपकी एक यात्रा शुरू हो गई, भीतर जो है अब आप जो है उस परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो गए। और गुरु ओशो की यहाँ पे टीचिंग ये है कि जब आप अपने हार्ट की सुनते हैं, जब आप अपने हृदय की सुनते हैं, तब एक बड़ी एक सिंप्लिसिटी जो है आपकी लाइफ में आ जाती है। वो कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स ही इसलिए क्योंकि हम जो है अपने हार्ट में नहीं जी रहे, हम अपने मन में जी रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। लेकिन जब आप किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए जीना शुरू करते हैं, उस दिन जो है आप इतने सिंपल हो जाते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। मन जो है वो ऑर्डिनरी होने से डरता है क्योंकि उसको लगता है कि फिर उसको जो है कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जब ऊर्जा जो है जब हार्ट में पहुँचनी शुरू करती है तब व्यक्ति जो है अपने ऑर्डिनरीपन को जो है इतने ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करता है। वो देखता है कि कैसा वो है, जैसा वो है वो वैसा ही हो जाता है। उसके होने में जो है उसके एक्सेप्ट करने में, वो जब वो अपने ऑर्डिनरीपन को जो है एक्सेप्ट करता है,
तो वही ऑर्डनरीपन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरीपन हो जाता है, ही बिकम स्पेशल, क्योंकि वो कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बिल्कुल वही है जो वो है। अब किसी भी तरह का जो है प्रिटेंड नहीं रह गया, किसी भी तरह का दिखावा नहीं रह गया, अब वो व्यक्ति वो ही जी रहा है वो जीना चाहता है, और अब ये व्यक्ति वो ही दिखा रहा है जो वो है। जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है कि जो अंदर और बाहर का जो जगत है वो एक हो जाता है। जैसे आप अंदर होते हैं वैसे बाहर होने शुरू हो जाते हैं प्रकट, और जैसे बाहर होते हैं वो भीतर आना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, दोनों के बीच में जो है एक संगत हो जाती है, दोनों के बीच में एक बैलेंस हो जाता है। और वो कहते हैं कि पूरा जगत, वो चाहे पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी हों, ये पूरा का पूरा नेचर, इन सब में जो है एक डीप हार्मनी है, ये सब के सब जो हैं इकट्ठे जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक आदमी अपने आप को जो है अलग समझता है, आदमी अपने आप को जो है स्पेशल समझता है, आदमी का जो मन है वो कुछ इस तरह से है, वो अपने आप को अलग कर लेता है। अरबी में एक कहावत है कि परमात्मा जो है जब किसी नए आदमी को जब बनाता है तो उसके कान में फूंक देता है कि तुझसे ज़्यादा स्पेशल कोई भी नहीं है, और फिर वो बात जो है आदमी कभी भूलता नहीं है, उसको हमेशा ये लगता रहता है कि वो विशिष्ट है, वो जो है स्पेशल है, जिसके कारण जो है आदमी का अहंकार, आदमी का जो ईगो है वो स्ट्रांग हो जाता है, और उसके भीतर की जो हारमनी है, जो कि उसके माइंड और हार्ट की जो एक हारमनी होनी चाहिए, वो टूट जाती है। जब तक आप अपने आप को अलग समझ रहे हैं, कि आपको लगता है कि आपको अपने बारे में अलग से सोचना है, जब तक आपको लगता है कि आप एक द्वीप हैं, आप एक आइलैंड हैं, तब तक जो है आपके जीवन में दुख और पीड़ा रहेगी। लेकिन जिस दिन आप जो है इस तरह से लाइफ को देखेंगे कि परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके हर पल में, कि आप अलग नहीं हैं, और आपके आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी आपसे अलग नहीं है, सब कुछ जो है जुड़ा हुआ है, और जब ये आदमी जो है उस जुड़ाव को देखना शुरू करता है, दैट इज़ द टाइम, वो वक्त ऐसा है कि जब उसके जीवन में एक ब्लिस, एक जॉय, एक एक्सटेसी जो है वो आनी शुरू होती है, भीतर जो है एक आनंद का जन्म होना शुरू होता है। एक बड़ी मज़ेदार कहानी है कि दो मंदिरों के बीच में हर वक्त एक तरह का कंपटीशन चलता रहता था, आमने सामने थे, और दोनों पुजारियों ने एक छोटा लड़का जो है रखा हुआ था अपनी सेवा के लिए, कि बाज़ार से अगर कुछ भी चाहिए या फिर जो है कोई सेवा चाहिए तो वो उस लड़के को बोलते थे। दोनों पुजारियों ने अपने लड़कों को बोला हुआ था कि एक दूसरे से बात नहीं करनी है, हम दुश्मन हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि हैं तो ये बच्चे ही और आपस में दोस्ती कर लेंगे, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हम आपस में दुश्मन हैं। लेकिन जिनसे वो बोल रहे थे वो थे तो बच्चे ही, जब आप बच्चों को मना करो तो और ज़्यादा जो है उनके अंदर करने की इच्छा होती है, अगर आप उनको ना कह दो, अगर आप उनको कह दो कि इस खिड़की में नहीं झांकना, तो फिर उनको उन्हीं खिड़की में झांकना है। तो एक बार की बात है कि सड़क पे जो है ये दोनों जो हैं, दोनों का मिलना हुआ इन लड़कों का, और एक लड़के ने जो है दूसरे लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो दूसरे लड़के ने कहा कि जहाँ हवा ले जाए। ये सुन के जो है उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, और वो गूंगा ही रह गया। ये बात जो है उसने जाके अपने पुजारी को बताई कि भाई उस लड़के ने कहा कि भाई जहाँ हवा ले जाए, तो पुजारी को गुस्सा तो बहुत आया, उसने कहा कि लेकिन जवाब तो हमें देना बनता है, तो जब अगली बार तुम उससे मिलोगे तो उसे यही सेम सवाल पूछना, तो अगर वो तुम्हें बोले कि जहाँ हवा ले जाए तो तब तुम उससे पूछना, और अगर हवा ना चलती हो तो ये सुन के जो है बच्चा जो है बड़ा खुश हो गया, उसने कहा कि उत्तर मिल गया, अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है जब मैं मिलूँगा उससे तो यही पूछूँगा। दूसरी बार जब उसका मिलना हुआ उस लड़के से, तो उसने दोबारा से पूछा कि मित्र कहाँ जा रहे हो, तो उस लड़के ने कहा जहाँ पैर ले जाए। अब वो लड़का जो है एक उत्तर बना के लेके आया था, उस मोमेंट में वो वाला उत्तर जो है उसको नहीं दे सकता था। अक्सर एग्ज़ाम में अगर आप जो है रटे रटाए जो हैं उत्तर लेके जाते हैं, और अगर जो है वो प्रश्न जो है दूसरे ढंग से पूछ लिया जाए तो आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे भी उस लड़के के साथ यही हुआ कि दोबारा से जो है वो गूंगा ही रह गया, उसको समझ ही नहीं आया, तो बड़ा दुखी और उदास जो है वो दोबारा से अपने पुजारी के पास गया। उसने कहा कि आज ये हुआ, इस बार जो है उस लड़के ने अपना जो है उत्तर ही बदल दिया। पुजारी को जो है बहुत क्रोध आया, उसने कहा कि चिंता मत करो,
अगर नेक्स्ट टाइम जो है उसने अगर तुमसे ये बोला कि जहाँ पैर ले जाए, तो तुम उसको बोलना, और अगर तुम्हारे पैरों को लकवा लग जाए तो। अब दोबारा से जो है एक उत्तर जो था उस लड़के के पास मिल गया था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया था। उसने कहा कि अगर वो ये बोलेगा तो मैं वो बोल दूंगा, अगर वो बोलेगा तो मैं ये बोल दूंगा। तो उत्तर उसने जो है तैयार कर रखे थे। तो दोबारा से उसका जो है उस लड़के से मिलना हुआ। इस बार उसने दोबारा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा बाज़ार जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। ये सुनते ही जो है उस लड़के के होश उड़ गए। अब उसको समझ ही नहीं आया। इस बार जो है उत्तर जो था बिल्कुल सीधा साधा था, उसमें कोई बनावट नहीं थी, कुछ नहीं था। और उसके जो उस लड़के के जो सारे जो उत्तर थे वो सारे के सारे जो है वहीं गिर गए। तो जीवन ऐसा ही है जहाँ पे आपके जो है बने बनाए जो है उत्तर जो है नहीं चलते, कि वहाँ पे आपका ज्ञान नहीं चलता, वहाँ पे कोई टीचिंग काम नहीं आती, वहाँ पे एक ही चीज़ काम आती है, वो है आपके जीवन का स्वभाव, कि किस तरह से आपने अपने जीवन को जिया है, किस तरह से आपने जीवन के अनुभवों को इकट्ठा किया है। और वो जीवन के जो अनुभव है वो आदमी को जो है अपनी सहजता से मिलते हैं, उस हारमनी से मिलते हैं जो कि उस माइंड और हार्ट की कॉम्बिनेशन से बनती है। तो जीवन में कोई भी जो है पहले से उत्तर मत बना लीजिए। तो जीवन को पहले से निर्धारित मत कर लीजिए। जीवन को इसी क्षण में जीना शुरू करिए, स्पॉन्टिनिटी के साथ जीना शुरू करिए, मूवमेंट टू मूवमेंट जीना शुरू कीजिए। और यही ओशो ज़ेन टैरो का मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को कंप्लीट हारमनी में जिए। तो इस वीडियो का मैं आज यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।